AKG OVHEMS यानी ओम विद्या इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एंड अलाइड मेडिकल साइंसेज ने प्रतिष्ठित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में अपनी रजत जयंती मनाई। आपको बता दें कि AKG OVHEMS विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों के सहज एकीकरण के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा में क्रांति लाने में अब तक सबसे आगे रहा है। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर AK गुप्ता ने बताया MNG रोग से प्रभावित एक युवक के इलाज पर जानकारी देते हुए उसका वीडियो भी दिखाया गया, जहां अभूतपूर्व लाभ और सफल इलाज देखकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। MND यानी मोटर न्यूरॉन डिजीज यह एक गंभीर और दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल रोग है, जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की नसों पर बुरा असर पड़ता है। MND रोग के कारण ये तंतु धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मांसपेशियों में कमजोरी, अकड़न और धीरे धीरे काम करने की क्षमता में कमी आ जाती है, और यहाँ तक कि व्यक्ति बोलने, सांस लेने और चलने में भी बाधित हो जाता है। ऐसे असाध्य रोग को भी डॉक्टर गुप्ता ने होम्योपैथी के माध्यम से दूर किया है। दरअसल यह एक भ्रांति है कि होम्योपैथी गंभीर रोगों में इंस्टेंट इलाज के लिए कोई स्थान नहीं रखती। इसी मिथक को तोड़ते हुए डॉक्टर AK गुप्ता ने जानकारी दी कि MND रोग से प्रभावित एक युवक का इलाज किया और आज वह युवक पूरी तरह से ठीक होकर भारतीय सेना में जाने की तैयारी भी कर रहा है। मेरा नाम गुलवेज खान है, मैं जिला हरदोई का रहने वाला हूं और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं। मैं समझ लीजिए लाइलाज बीमारी थी, मुझको लगता था मैं ठीक नहीं हूँगा, लेकिन डॉक्टर AK गुप्ता सर की दवाई से मैं ठीक हूँ। सुनने में आया कि आप 16 साल की उम्र तक चलने में असमर्थ थे, उसके बाद में आपने इंडियन आर्मी। मैं पहले दौड़ता था, 16 साल की उम्र में हमको ये दिक्कत हुई थी। मैं फिर 6 महीने में इतना हो गया था कि मैं बैठ के उठ नहीं पाता था। फिर 1 साल तक मैंने लखनऊ में इलाज किया KGMU में, वहाँ से कुछ फायदा नहीं मिला। फिर सर की वीडियो देखी, मैं सर के पास आया, 1 साल के बाद मैं चलने लगा सर के पास। जी अभी सुनने में आया कि इंडियन आर्मी। जी जी, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं रनिंग लगाता हूँ सुबह डेली 5 किलोमीटर। जी होम्योपैथिक सब बहुत अच्छी है, होम्योपैथिक में एक बार जरूर इलाज करवा के देख, बहुत बेस्ट। AKGS OVHEMS बीते 25 वर्षों से हजारों रोगियों को ठीक कर चुका है। यहाँ की इलाज पद्धति की सफलता को देखते हुए संस्थान को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। एलोपैथिक अस्पतालों में होम्योपैथिक औषधालयों की शुरुआत, जो कि OVHEMS के दौरे के बाद स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक द्वारा शुरू की गई, ये एक ऐतिहासिक पहल थी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती भी उपस्थित रहे और उन्होंने डॉक्टर AK गुप्ता को सम्मानित भी किया। डॉक्टर गुप्ता को फादर ऑफ इंटीग्रेशन इन मेडिसिन टाइटल एंड स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया। डॉक्टर AK गुप्ता एक सेलिब्रेटेड होम्योपैथ हैं और इनके हाथों से अनेकों अनेक जो बहुत मुश्किल समस्याएं लोग फेस कर रहे थे, शारीरिक मानसिक, उसको उन्होंने ठीक किया है। इनके हाथों में हुनर है। आज OVHEMS.com वेबसाइट का भी लॉन्च किया है इन्होंने और एक किताब है चाइल्डहुड चैलेंजेस, और उसका भी इन्होंने लॉन्चिंग करी है। तो मैं उनको बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की और कामना करता हूं। परमात्मा करे इनके हाथों अनेकों अनेक लोग अपने शारीरिक रोग से मुक्ति पाए। मैंने तो आज खुला ऑफर दिया है, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली के बड़े सेलिब्रिटी डॉक्टर्स आए हुए हैं, सारे न्यूट्रिशनिस्ट पे आए हुए हैं, जो पुराने वेटरन डॉक्टर्स हैं वो भी आए हुए हैं। सबको मैंने खुला ऑफर दिया कि केजरीवाल सरकार हर तरफ खुले हाथों से हेल्प करना चाहती है। जिस किसी को जहां कहीं भी दिल्ली को और सुंदर बनाने में सहयोग करना हो, वो आगे आए
हम खुले दिल से सहयोग करेंगे। मंच से उन रोगियों ने संस्थान से पाए गए उपचार और लाभ को मौजूद मेहमानों से साझा किया और उन्होंने बताया कि किस तरह वह असाध्य रोगों के बावजूद होम्योपैथी इलाज पाकर आज खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभी तक 700 से ज्यादा MND रोगियों का सफल इलाज डॉक्टर AK गुप्ता कर चुके हैं। मेरा विनोद मोंगा है, मैं पिछले 38 साल 38 ईयर से डॉक्टर साहब के संपर्क में हूँ और बिल्कुल एक छोटी से बीमारी के लिए गया था, ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद आज से लगभग 2 साल पहले मुझे उनकी लैंग्वेज में क्या वो बताते नहीं है कभी, मुझे बड़ी भारी प्रॉब्लम थी जिसमें उन्होंने कहा कि आपको मोंगा जी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने कहा ना, मेरे साथ मेरी वाइफ भी थी उस समय, लेकिन मैंने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, मैं नहीं जाऊंगा हॉस्पिटल, आप ही ठीक करोगे। और इन्होंने चैलेंज लिया, मेरा चैलेंज लिया, और मुझे लगभग 8 महीने लगे थे, बिल्कुल परफेक्टली ठीक हो गया था। जो होम्योपैथी का एक्सपीरियंस रहा उसके अनुसार आप ठीक बता रहे हैं अपने आप को, तो बाकी लोगों के लिए भी कोई संदेश देना चाहेंगे आप? सब कुछ छोड़ के सिर्फ होम्योपैथिक में रहना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट नहीं है कुछ भी, कम खा ली दवा, ज्यादा खा ली, ज्यादा दिन तक खा ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम एक मिठास सी तो मुंह में आती है। आई एम डॉक्टर संकेत गुप्ता, ये हमारा OVMs का 25 साल की सालगिरह पे एक समारोह था जिसमें हमने डॉक्टर AK गुप्ता द्वारा लिखित चैलेंजेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड होम्योपैथी में एक बुक रिलीज करी सोमनाथ भारती जी ने, एंड हमने वेबसाइट अपनी रीलॉन्च करी ovms.com, और हमने एक ऐसा केस प्रेजेंट किया मोटर न्यूरॉन डिजीज का जो कि इनक्योरेबल और फेटल कंसिडर किया जाता है, जिसके मतलब जैसे माना जाता है कि इंसान कभी दोबारा चल नहीं पाएगा, दोबारा एक वेजिटेबल स्टेट में रहेगा और बहुत जल्दी अपने जीवन से हाथ खो बैठेगा, बट ऐसे केसेस को हमने होम्योपैथी के थ्रू कंप्लीट रिवर्स किया है। आज ऐसे ही एक केस की प्रेजेंटेशन थी जो कि यहाँ की मौजूद 150 के करीब ऑडियंस को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड काफ़ी अप्रिशिएट किया लोगों ने, एंड एवरीबडी वॉज वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ दैट, एंड तहे दिल से थैंक यू टू एवरीबडी हु केम हियर एंड जिन्होंने अपना समय निकाल के हमारे साथ ये सेलिब्रेशन का पार्ट बने, थैंक यू। इस मौके पर चाइल्डहुड चैलेंज द होम्योपैथिक अप्रोच जो कि डॉक्टर AK गुप्ता ने पुस्तक लिखी है उसका विमोचन किया गया और साथ ही संस्थान की वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया। सबसे पहले तो हमें 25 वर्षीय समारोह की वजह जयंती AK जी धोरण की सबको बधाई, और मैं सबका हमें तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे 25 साल में मेरा साथ दिया AK जी OVMs के लिए, क्योंकि जब भी मैंने 1999 में शुरू करा था 8 अगस्त 1999 में अपने फादर के बर्थडे के रूप में दिया था, तब मेरा कॉन्सेप्ट था कि हर पैथी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा है पर हर पैथी की लिमिटेशन भी हैं जिसको लोग बागों को पता नहीं था, तो हम ये चाहते थे कि पेशेंट्स की वेलफेयर के लिए जिसके लिए जो भी अच्छा उसको वहाँ पर दे सकें, क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर कोई एक एलोपैथी ले रहा तो एलोपैथी लेता रहता था, होम्योपैथी लेता रहता था, उसको आराम आ रहा या नहीं आ रहा, तब हमने ये देखा कि जिस चीज़ में पेशेंट के लिए आराम आता है या जिस जो पैथी होम्योपैथिक हमें पेशेंट के लिए अच्छी है हम उसको वो ट्रीटमेंट दें, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। फिर हमने 2000 में हेल्थ कार्ड भी शुरू करा कि जिस पेशेंट को भी हमारे पास आते थे उनको हेल्थ कार्ड देते थे जिसमें उनकी इमरजेंसी की जितनी भी सिचुएशन होती थी वो लिखी होती थी ताकि इमरजेंसी के टाइम पे उनको हमें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि अगर कई को जैसे ब्लड ग्रुप नहीं पता, कुछ आपको ये नहीं पता कि किस चीज़ की आपको एलर्जी है, तो उस चक्कर में कई पेशेंट की डेथ हो जाती थी। तो ये कॉन्सेप्ट भी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू करा हेल्थ कार्ड का ऑल ओवर इंडिया में, और ऐसे हमने कहा था कि जितनी भी मेडिकल एजुकेशन है उनकी बेसिक नॉलेज हर डॉक्टर को होनी चाहिए, वो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू करा। और सबसे बड़ी बात यह कि हम यहाँ पे जो लाइलाज बीमारी है जैसे कि मोटर न्यूरॉन डिजीज है, बेशक डिजीज है या स्पाइनोडिक डिस्फोनिया, उसका हम अपने यहाँ पे रिसर्च भी कर रहे हैं
और उनकी हम काफी एमएनडी की करीब मोर देन 700 केसेस हम देख चुके हैं और जिनमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया। यहाँ पे आज एक केस को भी दिखाया गया था जिसको कहा गया था कि ये बिल्कुल लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। ये 16 साल का लड़का था और बिल्कुल जैसे अपाहिज होता है उसको उसके पेरेंट्स उसके फादर अपनी गोदी में उठा के लेके हमारे क्लिनिक में आए थे। आज करीब 2023 में उसका इलाज चला और 2023 में वो अब भला चंगा दौड़ता है और पुशअप करता है और वो अब इंडियन आर्मी फोर्सेज के अंदर जाने के लिए इच्छुक है, जो कि उसका शुरू से सपना था और जो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता था। ये केस उसमें अपने आप में ब्रेक थ्रू है होम्योपैथी की मेन पकड़ मोटर न्यूरल डिजीज के लिए और ये बताने के लिए कि अगर एलोपैथी में इलाज नहीं है, किसी मोबिलिटी में इलाज नहीं है तो हताश होने की जरूरत नहीं है। आप होम्योपैथी का दरवाजा खटखटा सकते हैं और उम्मीद है काफ़ी हद तक कि आपको वहाँ पे उसका इलाज मिल भी जाएगा। और दूसरी चीज, होम्योपैथी को इसलिए हम कहते हैं अपनाया जाए खाली उसकी गुणवत्ता के लिए, ना कि उसकी क्योंकि वो थोड़ी सस्ती है या उसके साइड इफेक्ट नहीं होता। आने वाले समय में अब WHO ने भी इसको मान लिया कि इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अप्रोच वो ज़्यादा अच्छी है। और जहाँ पे अब मेरे को आज ये कहते हैं बहुत हर्ष हो रहा है कि इस 25 साल की जर्नी में आज मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा डॉक्टर संकेत गुप्ता वो भी होम्योपैथ है और एक छोटा बेटा कार्तिक गुप्ता वो साइकोलॉजिस्ट है, उनकी बहू भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। हम एक पूरा मेंटल फिजिकल और पूरा इमोशनल मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं और अपनी वो उनको दे रहे हैं। आज एक हमने बुक भी रिलीज करी थी कि चैलेंजेस ऑफ चाइल्डहुड और द होम्योपैथिक अप्रोच, वो भी जो बुक वो पहली इस प्रकार की बुक है जिसमें बिहेवियरल डिसऑर्डर्स छोटे बच्चे के लेके इन्फेंट से लेके एडोलेसेंट तक की उम्र में, जिसमें जैसे रोने से लेके सुसाइडल टेंडेंसी और वेंडलिज्म तक के केसेस वो चैप्टर्स हैं। ADHD का भी है, ऑटिज्म का भी है। तो ये एक अपने आप में एक नई तरह की बुक है जिसमें वो लॉन्च हुई है। आज हमारी वेबसाइट भी दोबारा लॉन्च हुई है WWOVM, जहाँ पे हम इसके द्वारा पूरे संसार भर में ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी प्रदान कर रहे हैं। और आज के समय समारोह में श्री सोमनाथ भारती जी चीफ से, डॉक्टर संगीता दुग्गल एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम्योपैथी मिनिस्टर ऑफ आयुष वो भी थे, और डॉक्टर अनिल खुराना चेयरमैन नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी वो उन्होंने भी शिरकत की, और डॉक्टर सुनील रामटेके डिप्टी डायरेक्टर जनरल सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी वो भी थे, और डॉक्टर राजकुमार मनचंदा जो कि डायरेक्टर आयुष दिल्ली के रह चुके हैं वो भी थे। इनके अलावा डॉक्टर गोविंद सिंह और डॉक्टर दुर्गा जयपति दोनों मीडिया से हैं और जो कि अपनी एजुकेशन और मीडिया से उन्होंने उनका भी ये कहना था कि होम्योपैथी को प्रचार प्रसार की बहुत आवश्यकता और उसमें वो भी अपना अपना अनुदान और अपना भाग प्ले करेंगे। विशिष्ट अतिथियों में IIMC के पूर्व डीन डॉक्टर गोविंद सिंह, इंडिया टुडे इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म के निदेशक डॉक्टर ध्रुवा ज्योतिपति, इस अवसर पर केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर सुनील रामटेके तथा आयुष दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉक्टर RK मनचंदा भी उपस्थित रहे। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए सहयोगी गुलशन सैफी के साथ किरण शर्मा की रिपोर्ट।